अध्याय 8 लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियां सन 1600 से 1900। सन 1600 में दुनिया के अधिकांश इलाकों में राजा महाराजाओं या सामंतों का शासन था। वे अपने अधीन लोगों पर अपनी मर्जी से शासन करते थे। लोगों पर मनमाने कर व शुल्क लगाना, विरोध करने वालों को प्रताड़ित करना, जेल में डालना या मार देना, लोगों की संपत्ति को मनमाने तरीके से जब्त कर लेना, अपनी मर्जी से कानून बनाना या बदलना, ये आम बात थी। कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले तथा न्याय देने वाले सब राजा या सामंत ही होते थे, इसलिए उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। राज्य चलाने का काम लोगों का नहीं, राजाओं का था, यानी राज्य लोकतांत्रिक नहीं थे। यही नहीं, राज्य बनाने का काम भी लोगों का नहीं, केवल राजाओं का था। राजा सेना के दम पर जितनी जमीन और लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे, उससे राज्य बनते थे। इसमें राष्ट्र के लोगों की सोच, संस्कृति, जरूरतों और भावनाओं की कोई भूमिका नहीं थी। यानी राज्य तो थे, पर वे राष्ट्रीय नहीं थे। इस कारण शासन के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव सीमित था। इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में 17वीं से 19वीं शताब्दी में हुई क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक तरीकों से शासित हैं, यानी सारे वयस्क लोग मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव होता है और नए लोग चुनकर आते हैं। नागरिकों के अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं। यह बदलाव इंग्लैंड से शुरू हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 8.1 इंग्लैंड, राजा और संसद के बीच संघर्ष। 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड पर राजाओं का ही शासन था। उन दिनों इंग्लैंड में राजा की प्रजा से संवाद की एक व्यवस्था थी, जिसे पार्लियामेंट कहते थे। आज हम पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। जब कभी राजा को कर लगाने होते थे या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, वे पार्लियामेंट को बुलाकर उसकी राय लेते थे। यह परंपरा बन गई थी कि बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता था। पार्लियामेंट दो सदनों में विभाजित था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता गिरजाघर के उच्च पादरियों और कुछ वंशानुगत जमींदारों की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रतिनिधि होते थे, जिन्हें गांव व शहरों की संपत्ति वाले पुरुष मतदान द्वारा चुनते थे। महिलाओं, गरीब किसानों और मजदूरों को मत देने का अधिकार नहीं था। मध्यकालीन भारत में संसद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बादशाह और राजा अपनी मर्जी से शासन चला सकते थे। वे अपने चहेतों और सलाहकारों से राय जरूर लेते थे, लेकिन उनकी सलाह पर चलना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। कर बढ़ाने या घटाने के निर्णय राजा अपनी समझ और सूझबूझ से करते थे। इसमें प्रजा की कोई कानूनी भूमिका नहीं थी। 17वीं सदी में इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच का रिश्ता टूटने लगा। एक तरफ संसद राजकीय मामलों में अधिक भूमिका चाहती थी, जबकि दूसरी ओर राजा संसद के प्रति जवाबदेही नहीं चाहता था। सन 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने। उनका मानना था कि राजा को उसकी शक्ति ईश्वर से मिलती है और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, अतः संसद उसके काम पर सवाल नहीं उठा सकती। सन 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पर आसीन हुआ। उसके और संसद के बीच मतभेद बढ़ने लगे। दोनों के बीच कर वसूलने के अधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए। राजा ने संसद की अनुमति के बिना नया कर लगा दिया और जबरदस्ती व्यापारियों व भूस्वामियों से धन उधार लेना प्रारंभ कर दिया। धन देने से इनकार करने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। इस स्थिति के चलते
संसद ने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। सन 1628 में संसद ने राजा के सामने अधिकारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उसमें लिखा हुआ था कि संसद विनम्रता पूर्वक निवेदन करती है कि अब से किसी व्यक्ति से जबरदस्ती ऋण न लिया जाए तथा किसी प्रकार का कर संसद की सम्मति के बिना न लगाया जाए, सिवाय कानूनी तरीकों से किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को जेल में नहीं डाला जाए या उसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाए। सन 1628 के पिटीशन ऑफ राइट्स अधिकारों का ज्ञापन से कुछ पंक्तियां।